रहीम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ द लेसन फॉर वन क्लास थर्ड। इट इज़ योर इंग्लिश बुक। ओपन पेज नंबर 2, यूनिट नंबर 1, अनवर्स ड्रीम। अनवर्स के साथ एस लगा हुआ है। एस का मतलब ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अनवर्स प्लूरल हो गया है। इसका मतलब जब नाउन के साथ एस लग जाता है तो इसका मतलब आ जाता है का। ड्रीम ख्वाब, अनवर्स ड्रीम मीन्स अनवर का ख्वाब। Now start the reading. It is a hot day. ये एक गर्म दिन है। Anwar is in his garden. Anwar बाग में है। He is sitting under a banana tree. वो एक banana tree के नीचे बैठ रहा है। It has big leaves. इसके बहुत बड़े बड़े leaves हैं। Leaves mean पत्ते। अनवर इज काउंटिंग आंट्स। अनवर चुंटियों को काउंट कर रहा है। अनवर चुंटियों को गिन रहा है। 1, 2, 3 ऐसे। दे आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री। वो एक मुर्दा दरख्त के ऊपर चढ़ रही है। अनवर इज नॉडिंग हिज हेड। नॉडिंग का मतलब होता है ऊंगाना, यानी कि अपने सर को आगे को झुकाना। अनवर अपना सर को आगे कर रहा है। ही इज क्लोजिंग हिज आइज। वो अपनी आंखें बंद कर रहा है। इज अनवर थिंकिंग। क्या अनवर सोच रहा है? नो, ही इज नॉट। नहीं, वो नहीं कर रहा। इज ही काउंटिंग आंट्स। क्या वो चींटियां गिन रहा है? नो, ही इज नॉट। नहीं, वो नहीं कर रहा। इज ही स्लीपिंग। क्या वो सो रहा है? यस, ही इज, वो सो रहा है। सून अनवर इज ड्रीमिंग। अब अनवर ख्वाब देख रहा है। ही इज़ मेकिंग अ प्रेजेंट। वो एक तोहफा तैयार कर रहा है या तोहफा बना रहा है। इट इज़ फॉर हिज मदर, अपनी वालदा के लिए, यानी कि अपनी वो अम्मी के लिए तोहफा बना रहा है। लुक एट द नेक्स्ट पेज। अनवर इज़ क्लाइंबिंग द डेड ट्री। अनवर एक डेड मुर्दा दरख्त के ऊपर चढ़ रहा है। ही इज़ सिटिंग ऑन अ ब्रांच। ब्रांच कहते हैं शाख, शाख को। वो एक शाख पर बैठ रहा है। ही इज़ चॉपिंग इट विद एन एक्स। वो एक कुल्हाड़े के साथ इस शाख को काट रहा है, जिसमें से आवाज़ आ रही है ऐसे चिप चिप। अनवर फॉल्स डाउन। अनवर नीचे गिर जाता है। क्रैक क्रैक क्रिक। अनवर शाउट्स। अनवर चिल्लाता है। अनवर वेक्स अप। अनवर उठता है। दी आर्स आर बीटिंग अनवर। चुंटियाँ अनवर को काट रही है। निप निप निप। नाउ ही इज डांसिंग। अब वो डांस कर रहा है। एंड शाउटिंग और चिल्ला रहा है। एंड रनिंग और भाग रहा है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। थैंक यू।